आज के सुन को हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई और दूरी आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे तो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते रहो, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग 5 से 6 टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं मान लू ये कोई मीनार है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसमें मीनार का जिक्र होगा। अगर ये कोई मीनार है और यहां पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां पे कोई व्यक्ति है, यहां पे कोई व्यक्ति यहां से इस मीनार की क्या देख रही है, चोटी को देख रहा है, ठीक है, मीनार की चोटी को। या हम लोग मान लें यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है, ये व्यक्ति इसको देख रहा है यहां से, इसको ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है। और जब इसको देख रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से करेगा, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम लोग मान लें यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये मीनार की हाइट आपको दे दी जाएगी, ठीक है, मीनार की हाइट आपको दे दी जाएगी। तो आपसे प्रश्न पूछा क्या जाएगा, मीनार से ये जो व्यक्ति है इसके बीच की दूरी आपसे पूछी जाएगी, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी, ये दूरी कितनी है, या ये डिस्टेंस देकर के आपसे क्या पूछे, ये हाइट पूछे कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक बार फिर से बता रहा हूं, यानी ये कोई मीनार है, अब यहां से कोई ऑब्जर्वेशन यानी कोई व्यक्ति क्या कर रही है, इसको देख रहा है, यहां पे कोई पॉइंट है या कोई वस्तु है। जब ये इसको देख रहा है तो इसके साथ क्या करेगा, क्षैतिज तल के साथ ये क्या करेगा, कुछ डिग्री का कोण बनाएगा। हम लोग मान लें कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसे में आपसे आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो मीनार की हाइट दी रहेगी या तो इसकी यहां से यहां की डिस्टेंस आपको दी रहेगी, कोई एक दिया रहेगा और आपसे उसमें पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हाइट दे देगा तो डिस्टेंस आपसे पूछेगा कि व्यक्ति है और ये मीनार के बीच की दूरी कितनी है, या ये डिस्टेंस देकर के आपसे मीनार की हाइट आपसे पूछे, ठीक है। देखिए इसमें जनरली 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री के कोण आपको बनते हैं, जनरली आपको यही देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ कंडीशन होती है, सबसे पहले आपको कंडीशन बता दे रहा हूं, ठीक है, कंडीशन पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो साइन थीटा भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप साइन कॉस टेन लगाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर आप साइन कॉस टेन के हिसाब से लगाना चाहते तो लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये लंब अपान कर दिया है, आधार अपान कर है, ये लंब अपान आधार है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और यहां से ये, ठीक है, एच एच, और इस तरह से बेस आप कर सकते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लंब अपान कर हो जाएगा, आधार अपान, इसको हम क्या करते हैं साइन के फॉर्म में लेते हैं, और इस वाले को हम लोग कॉस के फॉर्म में लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं टेन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे ना करिएगा, इसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं जिससे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं देखा जाए, चलिए यहां पे मैंने देखिए 3 ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अगर मैं मान लो इसमें कितने 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर ये कोई मीनार है और कोई व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है तो इसके साथ यहां जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण होगा, ये उन्नयन कोण होगा, ठीक है, ये उन्नयन कोण होगा। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये कोई मीनार है, ए भी कोई मीनार है, और कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है, तो अब ये जब देखेगा तो इसके उन्नयन कोण के साथ ये देखेगा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, और इसको हम लोग सी मान लें। अब देखिए हमको करना है कि इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कर लिए, एक मान ले रहे हैं, एक मान ले रहे हैं, और ये हमारा कितना होगा, ये
कड़ी में 3 होगा और ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा ना, तो इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यही आपको याद रखना होगा। वैसे आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता। अगर साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान और इसको ले लीजिए, ठीक है, ये के और ये, तो साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे तो लंब अपान कर होता है, लंब अपान कर मैंने यहां पे लिख दिया, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है कि नहीं होता। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहां पे मैंने लिख लिया लंब लिख लिया और ये कर कितना, 2 लिख दिया। तो जब यहां से कर का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये आपको कितना मिलेगी, कड़ी में 3 आपको मिलेगी। लेकिन आप इसका यूज मत करिए, ठीक है, इसको बस याद रख लीजिए। जब भी 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा 1 हो जाएगा और इसके ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कड़ी में 3। अगर मैं मान लू यहां पे 45 डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बने, अगर ये 45 डिग्री का कोण बने तो इसके सामने वाली भुजा जो 1 हो जाएगी और यहां से कितना हो जाएगा, ये 1, और ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। अगर आप साइन कॉस टेन नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये बराबर और ये दोनों बराबर होंगे और ये कड़ी में 2 हो जाएगा। अगर मैं मान लू कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से देखने पे कितने 60 डिग्री का कोण बन रहा है, हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये कितना हो जाएगी, कड़ी में 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है, यही चीज आपको याद रखना होगा। जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा 1 होगी और ये भुजा कितना, 2 हो जाएगी और ये कितना होगी, कड़ी में 3। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो भुजा सबसे बड़ी है उसका मान देखिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भुजा ये, इसका मान इतना, फिर इसका मान देखिए इतना दिया गया और इसका मान इतना है। 45 डिग्री वाले को कैसे याद रखेंगे, ये 1 है और ये कड़ी में 2 है। 60 डिग्री वाले को कैसे याद रखेंगे, तो यहां पे ये कड़ी में 3 है और ये 1 है और ये 2 है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बिना डायग्राम यानी बिना फिगर बनाए भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, ये मैं आपको यूज नहीं कराऊंगा, ठीक है, साइन कॉस टेन आपको ये यूज करके नहीं बताऊंगा। हम लोग जनरली क्या करेंगे, इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बिना फिगर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। देखिए कहा क्या है, कोई पतंग एक डोर से जुड़ी है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, जब पतंग की ऊंचाई कितना दी गई है, 90 मीटर, और डोरी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा क्या है, डोर की लंबाई आपसे पूछा गया। अब देखिए ट्रायंगल है और उसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। पीछे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये इस तरह से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो मैंने क्या बताया आपको, इसके सामने की भुजा 1 हो जाएगी और ये मेरा 2 होता है और ये कितना होता है, 3। पीछे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, 30 डिग्री में ये रिलेशन आपको मिलेगा, यानी ये रेशियो आपको मिलेगा। अब ये देखिए दिया क्या है, पतंग की ऊंचाई दी गई है, पतंग की ऊंचाई यानी ये पतंग की क्या है, ऊंचाई, अगर ये पतंग की ये क्या दी गई, हाइट दी गई, कितना दिया गया, 90 मीटर। पतंग की हाइट कितना है, 90 मीटर, लेकिन यहां पे रेशियो में देखिए तो इसका मान कितना है, 1 यूनिट। तो कह सकते कि अगर 1 यूनिट बराबर कितना, 90 है, तो हमसे पूछा क्या है, डोर की लंबाई, यानी ये जो डोर है, ये पतंग की जो डोर है इसकी लंबाई हमसे पूछा गया, 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना, बेहद ही आसान तरीका है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 2021 में, बेहद ही आसान है। अगर आप एग्जाम में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके माइंड में ये चीज आपको रेशियो याद रहना चाहिए, जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये रेशियो आपको याद रहना चाहिए कि इसके सामने ये 1 है और ये 2 है और ये कितना है, कड़ी में 3 है। अब ये जो ऊंचाई दी गई है, पतंग की ऊंचाई दी गई, यानी ये कितने यूनिट का मान दिया गया है, 1 यूनिट का मान दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या, डोर की लंबाई यानी कितना होता है, 2 होता है, तो आपसे 2 का मान पूछा है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
अगर आपको रेशियो याद है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। आप टेंशन ना लें, मैं आपको सभी क्वेश्चंस यानी कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आपको ये चीज जुबान पे याद हो जाएगा। ठीक है, जो रेशियो है वो आपको जुबान पे याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है, किसी स्तंभ के पाद से ये पाद है, ठीक है, किसी स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर किसी बिंदु से शीर्ष की उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। तो पूछा क्या आपसे, ऊंचाई पूछी गई यानी स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं फिलहाल बना के दिखा रहा हूं। अब देखिए कोई स्तंभ है इस तरह से, और ये स्तंभ की क्या दी गई, हाइट दी गई है। अब यहां से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रेशियो क्या होता है, इनमें रेशियो में रिलेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसके सामने ये 1 होता है और ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है, 2 होता है। अब ये जो दूरी दी गई है स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर किसी पॉइंट से शीर्ष का कोण कितना बन रहा है, यानी कि ये दूरी आपको दी गई, यहां से जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको दी गई कितना है, 129 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना दी गई है, 129 मीटर है। लेकिन रेशियो में इसका मान कितना है, 3 यूनिट। तो कह सकते ये कितने का मान दिया गया है, 3 यूनिट का मान दिया गया है। अगर ये 3 कड़ी में 3 यूनिट का मान दिया गया है तो आपसे पूछा क्या, ऊंचाई पूछी गई, ऊंचाई कितना, 1 का लाके इसमें क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए। क्लियर है। अब यहां पे देखिए रूट कितना, कड़ी में 3 है, बटे में है कि नहीं, लेकिन बटे में तो कोई दिया नहीं है, तो बटे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर दिया है, कड़ी 3 से गुणा कर दिया। जब गुणा करेंगे तो ये 3 यानी कड़ी हट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। यह इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये दिया क्या आपको, स्तंभ के पाद से धरातल के बीच की दूरी, जो पॉइंट से कोण एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसके बीच की ये दूरी दी गई, ये डिस्टेंस आपको दिया है। तो आप कह सकते हैं अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते, अगर आपको रेशियो याद आ गया, याद हो तो ये कितने यूनिट का मान दिया गया, कड़ी में 3, इसमें कड़ी 3 से डिवाइड करिए और एक यानी ऊंचाई पूछी गई 1 यूनिट का, तो कड़ी में 3 से डिवाइड करके 1 से गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये समतल लिखा है। ठीक है, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई दी है तो आपसे पूछा क्या है, मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी आपसे पूछी गई। अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए कितने 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, 1 कड़ी में 3 और 2 का होता है। ये कितने यूनिट का मान दिया गया, ये 1 यूनिट का मान दिया गया, यानी मीनार की ऊंचाई कितने, 1 यूनिट का मान दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या, दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है, आपसे जो मीनार है और पॉइंट है दोनों के बीच की दूरी पूछी, यानी कड़ी में 3 का मान आपसे पूछा है। ये कितने यूनिट का मान दिया गया, 1 यूनिट का मान दिया गया, तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब नीचे कड़ी में 3 से लाके गुणा कर दिए, कड़ी में जब 3 से लाके गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। देखिए बिना फिगर बनाए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फिगर बना के ही समझना चाहते हैं तो मैं आपको फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। यहां से ये जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये कह दिया गया कि ये पाद से यहां के बीच की दूरी आपको दी गई है। ठीक है, सॉरी, मीनार की ऊंचाई दी गई, ये दूरी आपको दी गई है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है और 2 होता है, यानी 1 यूनिट का मान दिया गया इतना है, तो आपसे इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले अगर ये 1 यूनिट का मान दिया है तो इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, आपसे इसका मान पूछा है। ठीक है, इसका मान पता करने के लिए इसमें गुणा कर दीजिए, ये 3 हो गया, और जब गुणा करेंगे 11 में,
तो कितना हो जाएगा ये इतना मीटर, है ना, बेहद ही आसान है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x मीटर ऊंचे किसी खंभे की छाया कितना दी गई x बटे कड़ी में 3 मीटर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया, आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जहां अननोन कोण का जिक्र करेगा। ठीक है, आगे अभी आपको बताऊंगा, यहां पे क्या दिया है उन्नयन कोण। अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, यहां से जब फिगर बनाएंगे तो क्या दिया गया है इसमें, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है आपसे, एंगल पूछ रहा है यानी उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा का मान आपसे पूछा गया, और इसकी ऊंचाई कितना दी गई ये एक्स है, और इसकी छाया जो है ये जो खंभा है इसकी छाया कितना, ये जो है बन रही की बनी, इसकी जो शैडो बन रही है इसका मान कितना दिया गया एक्स बटे कितना ये कड़ी में 3 है। तो आपसे पूछा गया एंगल कितना होगा, इसमें एंगल कितना होगा इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया आपको, लंब अपान आधार दिया गया, लंब अपान क्या दिया आधार दिया गया, क्या दिया गया आपको लंब अपान आधार आपको दिया गया। तो ये देखिए साइन कॉस टेन, लंब अपान आधार किसमें मिलेगा आपको, टेन में आपको मिलेगा, किसमें मिलेगा ये टेन में आपको मिलेगा, क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहां से टेन लगा लेते हैं, तो यहां से लंब अपान आधार, तो जब आप यहां पे टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब अपान आधार यानी एक्स बटे एक्स और ये बटे का रूट थ्री, लेकिन रूट थ्री पलट के कहां चला जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। ये x से x कट गया तो बचा कितना सिर्फ कड़ी में 3, और 10 10 यानी 10 कितने का मान कड़ी में 3 होता है, 10 कितने का मान कड़ी में 3 होता है, तो आप बताएंगे 10 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 होता है। तो यानी यहां से आपको थीटा बराबर कितना पता चल गया 60 डिग्री, 10 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है, यह जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जमीन के साथ ये कितने डिग्री पे, क्षैतिज तल के साथ कितने डिग्री पर झुकी हुई, 30 डिग्री पर झुकी है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए करना क्या आपको, आपसे पूछा कि दूरी आपसे ये पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। अगर मैं मान लूं ये कोई सीढ़ी है, ये कोई सीढ़ी है और ये दीवार है, ठीक है, ये क्या है दीवार, ए है और ये बी, ए बी क्या है दीवार, यहां से कोई सीढ़ी है, जब इसको ऐसे क्षैतिज के साथ झुका के इसको किया जा रहा है, तो यहां से कितने डिग्री का कोण बना है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इतना क्लियर है। अब हमसे क्या कहा गया, ये नहीं 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, तो हमसे पूछा क्या, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना दी गई है 10 मीटर, यानी ये वाला मान कितना दिया गया 10 मीटर, ये सीढ़ी की लंबाई कितना दी गई 10 मीटर, तो हमसे पूछा क्या है, ये पूछा गया दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी हमसे पूछा गया। देखिए अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रेशियो में रिलेशन क्या होता है, ये 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है 2 होता है, यही तो होता है। अब देखिए 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है 10, 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है 10, और आपसे पूछे क्या डिस्टेंस, आपसे पूछे गए यहां से यहां के बीच की, तो करना क्या, सबसे पहले इसमें क्या करिए 10 में 2 से डिवाइड करिए, इसका मान पूछा है ना, तो इसका क्या करिए लाके मल्टीपल कर दीजिए, यहां से डिवाइड करूंगा तो 5 हो गया, 5 कड़ी में कितना हो गया ये 3 ये मीटर, लेकिन आंसर देखिए अभी दिया नहीं, आंसर ये नहीं दिया, तो हम लोग करेंगे ऐसे, अगर ये आंसर नहीं दिया गया तो कड़ी में 3 की वैल्यू रखेंगे, कितना मान होता है 1.73 होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1.73 होता है। अब इसमें गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसका इसमें गुणा करके देख लीजिएगा लगभग कितने के आसपास आ रहा है, अगर आप गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 35 × 36 हो गया, और 5 × 5 = 3 कितना हो जाएगा 8, लगभग 8.6 देखिए इसमें दिख रहा है डी ऑप्शन में,
तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कार्य में थ्री का मान इतना होता है कि नहीं होता है, 1.73 होता है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, इतना आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी मीनार की छाया, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के कितना है, ये कड़ी में थ्री गुनी है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हमसे पूछा गया। अगर देखिए ये कोई मीनार है, इसकी जो छाया बनेगी इधर बनेगी, ठीक है, इसकी छाया जो इधर बनी। अब ये कहा गया है कि इस छाया इसकी ऊंचाई का कड़ी में थ्री गुना है। अगर मैं मान लो ये एक है, तो ये जो छाया है इसका कितना कड़ी में थ्री गुना है, तो कड़ी में कितना थ्री गुना, यानी इसका कितना ये कड़ी में थ्री गुना है, यही तो है। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये किसमें रिलेशन मुझे दिखता है, ये रिलेशन मुझे कितने डिग्री में दिखता है, 30 में दिखता है कि 60 में दिखता है कि 45 में दिखता है, कितने में दिखता है ये, तो हम लोगों को पता है कि ये कितने में रिलेशन दिखता है, 30 डिग्री में दिखता है, और ये कितना होता है 2। तो कह सकते हैं कि कितने डिग्री का जो उन्नयन कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब एक ध्वज स्तंभ को छाया, ध्वज स्तंभ की छाया 50 फीट लंबी हो, उसी समय 6 फीट लंबे किसी व्यक्ति की छाया, 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट लंबी है, तो ध्वज स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में टाइप ये डबल दो बार कर दिया गया है, चार। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। जब एक ध्वज स्तंभ की छाया 50 फीट लंबी हो, उसी समय 6 फीट लंबे किसी व्यक्ति की जो छाया है 4 फीट बन रही है, तो ध्वज स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में ये कहा दिया गया है, अगर ये कोई ध्वज स्तंभ है, ठीक है, अब इसकी छाया कितनी दी गई, 50, इसकी स्तंभ की छाया फीट ये कितना दी गई, 50 फीट आपको दी गई है, ये कितना दिया गया, 50 फीट आपको दी गई है, इतना क्लियर है। लेकिन ये कह दिया गया है कि उसी समय, जिस समय ये है, उसी समय छह फीट व्यक्ति की जो छाया है, इसकी छाया कितनी बन रही, 4 फीट बन रही है, कितनी बन रही, 4 फीट बन रही है। तो आपसे पूछा कि ये ध्वज स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछी गई, यानी ये कितना होगा, यानी टाइम तो देखिए सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो रिलेशन, यानी जो रेशियो यहां पे बनेगा, वही रेशियो यहां पे भी बनेगा। टाइम अगर सेम है तो जो रेशियो यहां पे बन रहा है वही रेशियो यहां पे भी बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ये चेक करें, ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना, कह सकते हैं डेढ़ गुना है कि नहीं, कितना गुना, ये डेढ़ गुना है। अगर ये डेढ़ गुना है तो ये भी क्या होगा, इसका डेढ़ गुना होगा, यानी जो ये इसकी हाइट होगी इसका क्या होगा, डेढ़ गुना। तो इसका डेढ़ गुना करेंगे तो 50 और 25 कितना हो जाएगा, ये 75 कितना होगा, ये ध्वज स्तंभ की जो हाइट है वो कितना होगी, 75 मीटर होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से यहां रिलेशन निकालेंगे, यहां से यहां जो रिलेशन आएगा इन दोनों में, जो आएगा रिलेशन वही रिलेशन इन दोनों में भी होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी लड़के की प्रतिछाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया। देखिए कहा गया किसी लड़की की जो प्रतिछाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी जो हाइट है और जो छाया दोनों बराबर है। अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो इस तरह से फिगर बना रहा हूं। अब देखिए आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में ही कुछ कॉन्सेप्ट बताया था एंगल को लेकर के, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों कब बराबर होते हैं, कितने डिग्री के एंगल पे ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे 45 डिग्री के एंगल पर ये दोनों क्या होते, बराबर। ये चीज मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, 45 डिग्री के एंगल पर ये 1 होता है, ये भी कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना होता है, ये √2 होता है। लेकिन हमसे थीटा का मान पूछा है तो थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। तो बी ऑप्शन का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
समतल उन्नयन भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P, P की दूरी कितना दी गई है? 510 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई का 50% आपसे पूछा गया। अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, लेकिन फिगर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बना दे रहा फिलहाल। अब देखिए कितने डिग्री का कोण बना, यहां से 30 डिग्री का कोण बना। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसमें रेशियो में रिलेशन क्या होता है, ये कितना होता है, इसके सामने की भुजा एक होती है और ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 2। अब ये देखिए दिया क्या है, मीनार के पाद से बिंदु पी, अगर ये बिंदु पी है और ये मीनार कितना ए और बी है, तो इसके बीच की दूरी कितना दी गई है, 510 मीटर है। इसके बीच की दूरी कितना, ये 510 मीटर है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका मान कितना दिया गया, 3 यूनिट दिया गया, कड़ी में 3 यूनिट है। तो कह सकते हैं ये जो वैल्यू दी गई है कितने का मान है, कड़ी में 3 का मान है। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करिए तो एक यूनिट का मान पता चलेगा। आपसे पूछा क्या, देखिए पूछा कि मीनार की ऊंचाई का, यानी इसकी ऊंचाई का क्या पूछा है आपसे, 50%। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। अब इसका क्या कहा गया आपसे, 50%। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब देखिए करना कि अगर मैं ऊपर नीचे कड़ी से 3 उससे गुणा कर रहा हूं, ऊपर नीचे क्या कर दूं, कड़ी 3 से गुणा कर दूं, तो ये यहां से कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। कितना होगा, ये 3। 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, या इसको देखिए 6 कर ले रहा हूं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। 6 से हम डायरेक्ट डिवाइड करें तो यहां से करेंगे 6/8 48 हो गया, 6/8 48 3 इधर गया तो 6/25 30, और ये कड़ी में कितना बचा है, 3 बचा है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैलकुलेशन आपको समझ में आया। ऊपर नीचे मैंने कड़ी से 3 से गुणा किया, अब यहां से ये 3 देगा, 3 का मैंने इसमें गुणा कर लिया, 3 × 2 = 6, 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितनी, 85 बार में, और ये कड़ी में 3 आपका बचा है, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यदि डोर की लंबाई कितना 100 मीटर है, तो क्षैतिज तल से डोर का झुकाव आपसे पूछा गया कितने डिग्री का होगा, यानी आपको एंगल बताना है, ठीक है, एंगल आपको बताना है। अगर मैं मान लो ये कोई पतंग है, पतंग की ऊंचाई कितना दी गई, ये कोई पतंग यहां पे उड़ रही है, पतंग की हाइट कितना दी गई, 50 मीटर दी गई है, और इसकी डोर की लंबाई कितना दी गई, 100 मीटर। तो पूछा कि क्षैतिज धरातल से झुकाव यानी थीटा का मान आपसे पूछा गया है, थीटा का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए करना है कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, या तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि लंब अपान कड़ किस में आएगा, ये 10 में आएगा, ठीक है। आप यहां से चाहे तो आप 10 थीटा लगा करके आप थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 10 लगा करके आप क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या देखिए मैं पे दोनों तरीका ही बता रहा हूं, अगर आप यहां से 10 थीटा लगाएंगे तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान कर कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, लंब अपान कर, इसमें क्या लगाएंगे आप, साइन लगाएंगे, इसमें क्या दिया है, लंब अपान कर दिया गया। तो यहां से देखिए ये आप चाहे तो साइन लगा करके, ये साइन तो ये कॉस होता है, ये टेन होता कि नहीं, आप यहां से लगा सकते कि साइन थीटा बराबर लंब अपान कर 50, और ये कितना, इसको डिवाइड करेंगे 1/2। तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है कि नहीं। तो थीटा बराबर यहां से कितना आ जाएगा, यहां से थीटा बराबर मेरा यहां से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन आप ऐसे ना करिए, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब देखिए करना कि इसको यहां से डिवाइड कर दी, जब डिवाइड करेंगे तो यहां से एक बार में ये कटेगा और ये कितनी बार में, 2 बार। अब देखिए ये किसमें रिलेशन दिखता है, यहां पर 1 रहे यहां पर 2 रहे, तो कितने डिग्री में ये रिलेशन आपको दिखता है। अगर यहां से ये 1 है ये 2 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कड़ी में 3 होगी। अगर ये 1 है और ये
दो है, तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ये कड़ी में थ्री। तो ये आपको रिलेशन किस में देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कि यानी 30 डिग्री में देखने को मिलता है, 30 डिग्री में ये रिलेशन देखने को आपको मिलता है, ये इसका आंसर। चाहे तो आप ऐसे भी करिए, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो इतने 2.7 मीटर ऊंचा है और इसका उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। लड़के की अस्तम से दूरी आपसे पूछा गया, ठीक है, लड़के के अस्तम से दूरी आपसे पूछा गया। अगर मैं फिगर बना लू इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फिगर मैं इस तरह से बना ले रहा हूं, ठीक है। अब ये कहा गया कि एक लड़का एक अस्तम के पास खड़ा है जो इतने मीटर ऊंचा है, यानी अस्तम की ऊंचाई कितना दी, यानी इसकी हाइट कितना दी गई है 2.7 है, इसकी हाइट कितना है 2.7 मीटर, और कोण कितने का बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमसे पूछा कि ये और ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया, अगर ये अस्तम है, ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है अस्तम है। अगर मैं मान लो ये कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है सी पॉइंट पे, ये खड़ा है, अब यहां से यहां डिस्टेंस आपको बताना है। अब देखिए 30 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, ये 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है, ये रिलेशन आपको पता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि एक यूनिट का मान कितना दिया गया, इतना। अगर ये एक यूनिट का मान है तो हमसे पूछा कि 3 यूनिट का मान, यानी ये डिस्टेंस बताना ना, यानी आपको 3 यूनिट का मान बताना, तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए। इसका करना क्या, आपको 2.7 का इसका मान कितना होता है 1.73 होता है कि नहीं होता, कड़ी में 3 का मान कितना 1.73 होता है। अब इसका आप इसमें जब गुणा करेंगे, ठीक है, इसको मैं एक ही अंक ले रहा हूं, एक ही अंक ले ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है, ले सकते हैं आप दोनों भी अंक ले सकते, कोई फर्क नहीं है। तो यहां से करेंगे तो 47.49, यहां से जब गुणा करेंगे 47.49 यानी 17 का 21, ऐसे भी लिख लीजिए, ले लीजिए कोई फर्क नहीं है, इसमें गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 76, यहां से फिर कितना हो जाए 4 हो जाएगा। मल्टीपल करके आप देख लेंगे तो आपको इतना लगभग आपको मिलेगा, इन दोनों का जब मल्टीपल करके आप देखेंगे तो लगभग आपको ये इतना मिलेगा, और ये इसकी वैल्यू आपको दी गई कड़ी में सेम, कड़ी में 3 किसकी वैल्यू, ये 1.73 इसका मान दिया गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधा से एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, एक यूनिट का मान दिया गया, इसका मान पूछा है, तो इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 4.67, तो लगभग ये देखिए है कि नहीं, इसके करीब ये दिख रहा है, इसके करीब ये दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दिन के किसी समय 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर परछाई बनती है, इसी समय एक खंभे की परछाई कितना, इतना मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई आपसे पूछा कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए क्या कहा गया, दिन के किसी समय इतने मीटर ऊंचे खंभे की जो परछाई बन रही है इतना बना, तो आप यहां से कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, जो रिलेशन नहीं बताया था ऐसे ऐसे रेशियो लीजिए, चाहे ऐसे ऐसे रेशियो लीजिए, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन को देखकर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक लंबवत खंभे की भूमि पर परछाई कितना है, ये परछाई की लंबाई 24 मीटर है, यदि उस समय सूर्य के उन्नयन कोण कितना दिया गया थीटा है, तो इस प्रकार है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो खंभे की हाइट आपसे पूछा गया। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से फिगर बना लीजिए। अब ये कह दिया गया कि हमसे थीटा का मान पूछा, थीटा का मान दिया क्या, थीटा का मान नहीं दिया। अब हमसे कहा कि खंभे की हाइट, यानी ये हाइट मुझे बतानी है, खंभे की हाइट ए बी और ये हम लोग सी मान ले रहे हैं। अगर देखिए कोई खंभा है तो इसकी परछाई कितना, ये 24 है, यानी इसकी परछाई कितना दी गई, 24 दिया गया, और साइन देखिए क्या दिया, साइन थीटा बराबर इतना, अगर साइन थीटा दिया गया तो ये लाल KKE होता है कि नहीं, तो साइन हम लोग क्या करते हैं, यही तो लेते हैं, ये साइन लेते हैं, ये कॉस होता है, और ये हमारा क्या होता है, टेन होता है,
होता कि नहीं होता इस तरह से। तो साइन थीटा बराबर यहां से क्या, लंब अपान कड़, यानी लंब का मान कितना 5 है, कड़ का मान कितना है 13। तो ये कितना है, ये 5 है और ये कितना है, ये 13 है, ठीक है। और हम लोग यहां से इसको पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, मुझे पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट मुझे पता है। तो ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, ये ट्रिपलेट बनता है। अगर ये ट्रिपलेट बनता है तो 5 ये है, 13 ये, तो ये कितना होगा, ये 12 होगा। अब ये जो परछाई दी गई, खंभे की लंबाई की परछाई कितना दी गई, 24, यानी यहां से यहां की वैल्यू कितना दी गई, 24 दी गई। यहां से यहां का मान कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है, क्लियर है। लेकिन यहां से दिखाए थे कितने यूनिट का मान दिया गया, ये 12 यूनिट का मान दिया गया। अगर मैं इसमें 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चल गया, और हमसे पूछा कि खंबे की ऊंचाई पूछा, यानी 5 यूनिट का मान आपको बताना है। तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, इसको डिवाइड करूंगा 2 हो जाएगा, और इसको यहां से कर दूंगा तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यानी खंबे की हाइट कितना, ये 10 मीटर है, खंबे की हाइट कितना है, 10 मीटर है। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की इतने मीटर लंबी दीवार के ऊपर केवल सूर्य को देख पाती है, इतने मीटर क्या, दीवार के ऊपर केवल सूर्य को देख पाती है, उससे ये इतनी मीटर दूर पर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा गया। अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो ये दीवार है, और दीवार की लंबाई कितना दी गई यहां से, 3.2 है, इतना है। अब यहां पे कोई लड़की है, ठीक है, यहां पे क्या 1.2 मीटर लंबी लड़की, यानी लड़की की हाइट कितना दी गई है, लड़की की हाइट कितना दी गई, 1.2 मीटर है। तो ये लड़की 1.2 मीटर, अब यहां से करके रहिए, ये सूर्य यहां से देख रही है, यहां से जब ये देख रही है तो यहां से ये देख रही है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसमें हमसे यही पूछा गया है, क्लियर है। और मुझे ये पता है कि इसके यहां से यहां के बीच की दूरी भी दी गई है, कितने मीटर, उससे कितना मीटर दूर पर है ये लड़की, कितना मीटर दूर पर है, इतना मीटर की दूरी पर केवल सूर्य को देख पाती है, जो उससे इतने मीटर दूर पर है, इतने मीटर क्या है, दूर है। यानी ये मुझे पता है यहां की यहां से बीच की डिस्टेंस कितना है, 2.42। अगर ये 2.42 है तो ये भी तो कितना होगा, 2.42 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, बराबर है, क्लियर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा कितना 3.62 है और ये कितना 1.2 है। अब यहां से 1.2 है तो यहां से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये यहां से कितना बचेगा, यहां से यहां कितना बचेगा, ये हाइट। तो इस पूरे में से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 2.42, यानी यहां से यहां की हाइट कितना आ गई, इतना। और ये क्या पूरा मान दिया गया, क्लियर है, ये पूरा मान दिया गया। अब देखिए यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम दिख रही है, अगर ये दोनों वैल्यू किसमें सेम दिखता है तो आप कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि यहां से थीटा कितने डिग्री में ये और ये दोनों सेम होता है, तो 45 डिग्री में ये और ये दोनों क्या होते, सेम होते। सेम होते कि नहीं होते, सेम होते कि नहीं। तो यहां से भी ये और ये देखिए दोनों बराबर है, तो थीटा बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा, क्योंकि 45 में ही ये और ये दोनों क्या होते हैं, लंब और आधार दोनों इक्वल होते हैं। तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है। आपने फिगर बनाया, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछा गया। अगर देखिए जो 60 डिग्री का एंगल बनता है, अगर वो रेशियो आपको याद होगा तो आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई पूछा है और ये निचला सिरा यानी क्या कहा गया, इतना मीटर दूर है, यानी ये कितने यूनिट का मान दिया गया। तो सबसे पहले इनमें रिलेशन क्या होता है 60 डिग्री वाले में, मैं आपको फिगर से बता दे रहा हूं, पीछे भी मैं बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। जब ये 60 डिग्री का कोण बनता है तो ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है और ये 1 होता है और ये कितना होता है, ये 2 होता है। अब देखिए कहा कि यदि सीढ़ी का जो निचला सिरा दीवार से इतने मीटर दूर है, यानी इसका और इसका मान दिया गया है
इसका और इसका कितना मान दिया गया, 10 मीटर दिया गया। तो आपसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई, यानी ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई हमसे पूछ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक यूनिट का मान कितना 10 है, तो दो यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। दो यूनिट का मान कितना होगा, ये 20 मीटर होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, भूतल पर एक अधोलंब खंभे की परछाई कितना दी गई, परछाई की लंबाई कितना है, 36 मीटर है। भूतल पर एक अधोलंब खंभे की परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य की ऊंचाई का उन्नयन कोण ऐसे हैं जैसे कि sec sec थीटा बराबर कितना दिया गया, इतना 13/12। तो खंभे की हाइट हमसे पूछा गया। अगर मैं यहां से फिगर बनाऊं, इस तरह से मैं फिगर बना ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए sec का मान दिया गया, तो sec का यानी लाल और ये हम क्या करते हैं, इस तरह से के ए लिखते कि नहीं लिखते हैं। तो ये मेरा साइन होता है और ये कॉस होता है और ये क्या होता है, मेरा टेन होता है। तो लेकिन यहां पे sec दिया है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, sec होता है। अगर ये कॉस है कॉस, तो sec क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कड़ अपान क्या होगा, तो कड़ अपान क्या हो जाएगा, ये आधार। कड़ अपान क्या हो जाएगा, आधार, यानी कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कड़ अपान आधार। तो ये किसका मान दिया, कर का मान दिया गया और आधार का मान, कर ये दिया गया यानी 13 दिया गया और इसका आधार कितना दिया गया, ये 12, ठीक है। अगर ये देखिए 13 है और ये 12 है, तो आपको रिलेशन पता है क्या होता है, 5, 12, 13 का होता है। जो ट्रिपलेट बनता है, जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भी आप उस तरह से लंब पता करेंगे तो भी आपका 5 आएगा। बेहतर यह कि आप क्या करिए, ये रिलेशन याद रखिए, ट्रिपलेट आप क्या करिए, याद रख लीजिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए कहा क्या है, परछाई कितना दी गई, 36 मीटर, यानी ये जो है इसकी परछाई कितना दी गई, 36 मीटर। 36 मीटर दी गई, तो हमसे इसका मान पूछा गया, ऊंचाई पूछी, खंभे की ऊंचाई। तो अगर देखा जाए तो यहां से कितना, अगर इसका मान 36 है, तो ये कितनी यूनिट का मान है, ये 36 12 यूनिट का। तो इसने 12 से डिवाइड करेंगे और पूछा कि आपसे 5 यूनिट का मान आपको पता करना है। तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 12 3 36 हो गया। इसमें मल्टीपल करेंगे तो 5 3 कितना होगा, ये 15 मीटर। यानी जो खंभे की हाइट है ये कितना आ गई, 15 मीटर आ गई। तो डी ऑप्शन इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया, आशा और सुमन मिट्टी के कीलों की ऊंचाई कितना दी गई, 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। आशा और सुमन की मिट्टी के जो किले हैं उनकी हाइट दी गई 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। उनके शीर्ष एक दूसरे से कितना, 25 सेंटीमीटर अलग, यानी क्या दूरी है, 25 सेंटीमीटर अलग, या कह सकते हैं इतने मीटर की दूरी पर। तो दोनों किलों के बीच की दूरी हमसे पूछा गया। अगर मैं इस तरह से बनाऊं मिट्टी का किला होना, ठीक है, ये इस तरह से, यानी इसकी हाइट कितना, ये 16 मीटर है और यहां से इसकी हाइट कितना, ये 9 मीटर। क्लियर है। अब ये कह दिया गया इनके जो शीर्ष है, इनके शीर्ष यानी ये और ये, इनके शीर्ष कितने दूर पर है एक दूसरे से, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस आपको कितना दी गई, 25 सेंटीमीटर दी गई। क्लियर है, 25 आपको दिया गया। अगर ये दिखाया तो ये पूरा कितना 16 है, जबकि अगर ये 9 है, अगर ये 9 है तो यहां से ये कितना 9 हो गया, ये भी तो 9 होगा। तो जो बाकी बचा 9, यहां से कितना बच गया, ये इसको घटाएंगे तो 16 9 25, यानी कितना हो गया, ये 7 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना बच गया, 7 बच गया। अब हमसे पूछा गया, यही डिस्टेंस हमसे पूछी गई कि दोनों किले जो है मिट्टी के, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। अगर देखिए आपको ऐसे देखेंगे, ये आपको ट्रिपल ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरह से आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये 25 है ये 7 है। अगर आप यहां से पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 24 आएगी। देखिए मैंने कैसे बता दिया, चूंकि मुझे ट्रिपलेट पता है, मुझे ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट क्या बनता है, 7 24 25 का बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। बाकी अगर उस तरह से करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, फिर लंब का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार का स्क्वायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अगर आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस ट्रिपलेट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 24 होगा, तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए सीपीयू में पूछा गया 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी मीनार के आधार से 70 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री है। तो मीनार की हाइट आपसे पूछा गया, इस बार देखिए क्या दिया आपको, अवनमन कोण दिया गया। अब तक हम जितने भी कोण देख रहे थे वो सब क्या उन्नयन कोण थे, लेकिन ये क्या अवनमन कोण है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं यहां से एक ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से मैं बना रहा हूं, अगर आप इसको देखेंगे इस तरह से, तो ये आपका क्या है, ये अगर मैं पूछूं तो ये क्या है, थीटा जो बनेगा ये क्या उन्नयन कोण है, ये आपका क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। लेकिन अवनमन कोण की बात की जाए तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, अब यहां से देखेगा, यहां से कोई व्यक्ति क्या करा, ये ऑब्जर्व करा, ठीक है, यहां से क्या करा, ये ऑब्जर्व करा, तो यहां से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसका मान दिया गया, यानी ये क्या, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो ये जो लाइन है और ये वाली दोनों, ये क्या पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों क्या है पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो जो एंगल यहां पे बनेगा वही एंगल यहां पे भी बनेगा, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल है, अब यहां से ये है और यहां से ये है, तो जो एंगल यहां पे बनेगा वही एंगल यहां पे बनेगा, क्योंकि ये लाइन क्या है पैरेलल दोनों है कि नहीं, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां पे भी बनेगा। अगर मैं मान लू यहां पे जैसे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अवनमन कोण आपको 30 डिग्री का देगा, तो आप क्या मान के करेंगे, आप क्या करेंगे क्वेश्चन को, उन्नयन कोण मान के ही क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको अवनमन कोण दिया है तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कोण यहां पे बनेगा वही कोण यहां पे बनेगा, तो कोई फर्क नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये अवनमन कोण दिया है तो कोई मतलब नहीं है, आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये टाइप टू में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए करने की, इसमें हम लोग टाइप टू भी बोल सकते हैं, ये टाइप टू में हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या दिया, अवनमन कोण दिया, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं है। वैसे अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, फिगर थोड़ा गड़बड़ बन गया, यहां से देखा जाए, यहां से अगर मैं फिगर बनाऊं, यहां से ये दिया कि ये अवनमन कोण दिया है, अगर ये अवनमन कोण दिया है 60 डिग्री, तो अभी मैंने आपको बताया ये और ये दोनों क्या होंगे, अगर ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप क्या करेंगे, अब जब भी ये अवनमन कोण कहेगा तो आप उन्नयन कोण बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, क्लियर है। इसको नहीं बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मुझे पता है कि 60 वाले में क्या रिलेशन होता है, ये कड़ी में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 1 होता है, और इसका मान कितना होता है, ये 2 होता है, होता है कि नहीं होता है, यही तो रेशियो मैंने आपको पीछे बताया शुरू में बिल्कुल। अब देखिए ये दिया क्या, किसी मीनार के आधार से इतना मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण इतना, तो मीनार क्या है, यानी ये किसका मान दिया, ये इसका मान दिया गया, किसका किसका मान दिया गया, 70 इसका मान दिया, एक यूनिट का मान दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या, मीनार की हाइट, यानी मीनार की हाइट आपको बताना है, कड़ी में 3 की वैल्यू आपको बतानी है, कड़ी में 3 की वैल्यू आपको बताना है, तो इसमें लाकर 3 से गुणा कर दी, कड़ी से जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये कड़ी में 3 आपको मिलेगा, 70 कड़ी में 3, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 125 मीटर ऊंची मीनार से किसी कार का अवनमन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री। देखिए अवनमन कोण दिया है तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को, उन्नयन कोण मान के ही सॉल्व करेंगे। तो पूछा क्या, कार से मीनार की दूरी, अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे रिलेशन पता, 1 होता है नीचे, और ये कितना होता है, कड़ी में 2 होता है, यही तो रिलेशन होता है कि नहीं होता है। अब ये देखिए कितने, यानी दिया गया 125 मीटर ऊंची मीनार, यानी ये एक यूनिट का मान दिया है, तो आपसे पूछा क्या है, मीनार कार से कितनी, यानी एक यूनिट का मान पूछा, तो कोई फर्क नहीं होगा, यही तो इसका आंसर आ जाएगा। फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, ये देखिए
ये कितना ही है, मैंने अभी पीछे बताया कि अगर ये अनोन कोड का जिक्र करेगा तो आप अननोन कोड मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक होता है, एक होता है, और ये कितना होता है कड़े में दो होता है, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसका मान दिया है कितना, ये 125, एक यूनिट का मान इतना दिया है, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई तो कितना मिलेगा आपको, 125 मीटर ही मिलेगा, इसका आंसर यही आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी खंभे के आधार से 80 मीटर दूर स्थित किसी पत्थर का अवनमन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है, तो खंभे की हाइट आपसे पूछा गया है। देखिए अवनमन कोण दिया गया तो आप अननोन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां से कितना डिग्री है, 30 डिग्री का कोण है, यहां से मुझे पता है कि ये कितना होता है, ये 1 होता है, और ये कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है 2, यही तो रिलेशन होता है 30 डिग्री वाले में। अब ये क्या दिया आपको, आधार से इतना मीटर दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस आपको कितना दी गई, 80, कितना दी गई 80, कह सकते कड़ी में 3, इसका मान इतना दिया गया, तो आप कह सकते इसमें 3 से डिवाइड करेंगे कड़ी से, किसका मान पूछा है, ऊंचाई पूछा है, यानी एक यूनिट का मान पूछा है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर देखिए इस फॉर्मेट में ना दे करके, देखिए इसको कैसे करना है, आप इसमें क्या करिए 80 से इसमें क्या करिए ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर लीजिए, आंसर ऐसे फॉर्मेट में नहीं दिया तो उन्हें ऊपर नीचे गुणा कर ले रहे हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 80 कड़ी में 3 और नीचे कितना हो जाएगा ये 3। अब देखिए आंसर मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी प्रकाश घर के शीर्ष से जहां जहाज का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो प्रकाश घर के आधार से जहाज की दूरी आपसे पूछी गई, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना है, ये अवनमन कोण दिया है तो आप क्या करेंगे, अननोन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पिंटू एक पतंग उड़ा रहा है जिसके धागे की लंबाई कितना है, धागे की लंबाई कितना है, 60 मीटर है, यदि पतंग से पिंटू का अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई आपसे पूछा है, यानी कि भूमि से पतंग की ऊंचाई आपसे पूछा है। अब ये देखिए धागे की लंबाई, अगर धागे की लंबाई का जिक्र किया जाए तो धागे की लंबाई क्या होगा, अगर पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही तो यहां से जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, धागे की जो लंबाई होगी यही तो धागे की लंबाई होगी कि नहीं होगी, ये आपके धागे की लंबाई, अगर 45 डिग्री का कोण बना तो ये 1 होता, ये 1 होता, ये कितना होता है कड़ी में 2, यानी कड़ी में 2 इसका मान कितना दिया गया, इतना कड़ी में 2 इसका मान कितना दिया गया, 60 दिया गया, तो इसमें क्या करिए आप डिवाइड कर लीजिए, और पूछा कि भूमि से पतंग की ऊंचाई यानी इसका हाइट आपसे पूछा गया, यानी हाइट पूछा गया तो एक यूनिट का मान पूछा, एक यूनिट का मान पूछा गया तो एक से गुणा कर लीजिए। अब देखिए अगर मैं ऊपर नीचे क्या करूं, 2 से गुणा कर दूं, कड़ी 2 से ऊपर नीचे क्या कर दूं, गुणा कर दूं, क्लियर है, तो ये इसके साथ कितना 2 बना लेगा, ये इसके साथ जब गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 30, कड़ी में कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए अब ये आपका ये नेक्स्ट टाइप से टाइप नंबर ये क्या है, थर्ड, ठीक है, ये टाइप नंबर आपका क्या है, थर्ड में आ गया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, टेलीफोन का एक खंभा तूफान के कारण शीर्ष से टूटकर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, तो खंभे की ऊंचाई आपसे पूछा गया। अगर देखिए इस तरह से मैं मान लू कोई खंभा रहा, इस तरह से ये कोई खंभा है, ठीक है, अब ये यहां से क्या हुआ, जैसे ये पूरा खंभा है, ये यहां से क्या हो गया, टूट गया, अगर ये टूट गया अब ये जमीन पर आके क्या हो गया, इस तरह से लटक गया, और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का ये क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। तो ऐसे में आपसे ये पूछा गया कि खंभे की लंबाई, यानी खंभे की लंबाई, यानी ये पूरा आपको बताना है खंभे की लंबाई, ये वाला पोर्शन तो टूट के आगे इधर गिर गया, तो ये है कि नहीं। अब ये कह दिया गया आधार से कितने मीटर की दूरी पर टूट कर
इसके आधार से इतने मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का 30 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले ये देखा जाए तो 30 डिग्री में रेशियो क्या क्या बनता है, ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। अब ये इसका मान दिया गया है कितनी दूरी पर है, ये टूटकर इसके आधार से इतने मीटर की दूरी पर, ठीक है, इतने मीटर की दूरी पर डिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 मीटर। कह सकते हैं जो 20 दिया गया है कितने यूनिट का मान दिया गया है, कड़ी में 3 यूनिट का मान दिया गया है। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है, 20 में क्या करना, आपको कड़ी 3 से डिवाइड करना है। और पूछा कि आपसे खंभे की ऊंचाई पूछा ना, तो खंभे की ऊंचाई देखिए होगी क्या, खंभे की ऊंचाई यानी ये वाला जो पोर्शन था ये टूटकर ये इधर आ गया है, तो ये कितना, ये 2 है, ये कितना है, 2 है। तो इस तरह से जो खंभे की हाइट टोटल होगी कितना होगी, ये 3 यूनिट होगी, कितना होगी, ये 3 यूनिट होगी। तो इसमें 3 से लाके गुणा कर दिए, अगर आप इसमें 1 से लाके गुणा करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सिर्फ खंभे की आपको इतनी ही पता चलेगी, आपसे आपको ये पूरा खंभे की बताना है, ठीक है, जो टूटकर गिरा है इसकी भी तो बतानी है, पूरे खंभे की हाइट बतानी है। 3 क्या करेंगे, 2 कितना हो जाएगा, 3। अब इसका गुणा कर लीजिए, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं या ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर लूं तो ये कितना 3 देगा, ये 3 देगा कि नहीं देगा, 3 से ये 3 कट गया तो कितना मिल जाएगा, 20 कड़ी में 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखिए जमीन की ये क्या दिया आपको, यानी ये पॉइंट यानी जमीन से क्या दिया, जो पेड़ है और यहां से जितनी डिग्री का कोण बना इसके इसके बीच की दूरी कितना, 20 मीटर, और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको पता है, आपको पता है कि रेशियो क्या होता है, ये 1 कड़ी में 3 और 2 यानी कड़ी में 3, ये कितनी का मान दिया, कड़ी में 3 का मान दिया। इसमें कड़ी 3 से डिवाइड कर दीजिए और ये इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 3, और 3 से लाके गुणा कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टेलीफोन खंभा तूफान के कारण भूमि के ऊपरी किसी बिंदु से मुड़ जाता है, किसी बिंदु से मुड़ जाता है, इसका शीर्ष इसके पाद से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, और जो एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री है। तो पूछा कि आपसे खंभे की हाइट पूछा है, तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे, ये कितने यूनिट का मान दिया है, ये यानी क्या कहा गया, पाद से खंभे के बीच की दूरी ये दिया गया। अगर आप फिगर बनाएंगे इस तरह से, ये कितना, ये 30 डिग्री ना, तो यहां से 1 होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये 2, यानी ये कितने यूनिट का मान दिया, ये 3 यूनिट का, कड़ी में 3 यूनिट का मान दिया गया। इसमें करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे, कड़ी में 3 से डिवाइड करेंगे, और पूछा क्या आपसे खंभे की ऊंचाई पूछा, तो 2 कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से ये खंभा था कि नहीं था, ये आकर तोड़ के इस जमीन पे आ गया, तो 2 कितना हो गया, 3। खंभे की हाइट कितना हो गई, 3 रेशियो में, तो इसमें इलाके 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 24 मीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया, टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो एंगल दिया गया, इस पर क्या दिया आपको, 60 डिग्री का दिया गया है, तो 60 डिग्री का मान दिया गया है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, फिगर थोड़ा सा यही बना, तो यहां से 60 डिग्री में रेशियो क्या होता है, ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। अब ये देखिए क्या कहा गया, शीर्ष से पेड़ की जड़ से इतने मीटर की दूरी पर इतने क्या करता है, भूमि को स्पर्श करता है, यानी ये जो दिया गया है ये कितने यूनिट का मान दिया, 1 यूनिट का मान दिया गया है, यानी ये डिस्टेंस आपको दी गई है, तो कितने यूनिट का मान दिया, 1 यूनिट का मान दिया गया है। आपसे पूछा क्या, पेड़ की ऊंचाई यानी इन दोनों की ऊंचाई आपसे पूछी गई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 प्लस कड़ी में कितना, ये 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1.73 होती है,
तो आपको करना है कि इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। लास्ट स्टेप मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, आपको करना है कि इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। वैसे भी इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो सॉल्व करने के बाद आप वहां से अपना आंसर मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। चलिए देखा जाए इस वीडियो में क्या करेंगे, यानी इस टाइप में टाइप फोर में इस आकृति यानी ऐसी आकृति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये थीटा दे देगा, ये थीटा हो जाएगा, मान लो इसको थीटा वन और ये थीटा टू, दो एंगल देगा आपको, और यहां से यहां की बीच की दूरी, ठीक है, यहां से यहां की बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है, यहां से यहां की बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में दे देगा या तो पूछेगा। अगर ये दूरी देगा तो आपसे पूछेगा ये मीनार की हाइट कितनी है, इस मीनार की हाइट कितनी है क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जाएगा, ये दोनों एंगल आपको देंगे यानी थीटा वन थीटा टू क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों एंगल दिया रहेगा, या तो ये मीनार की हाइट दे दी जाए तो आपसे ये दूरी पूछी जाएगी घट गई कि बढ़ गई, ये दूरी आपसे पूछी जाए, ठीक है, ये दूरी आपसे पूछी जाएगी। या तो क्वेश्चन में ये दूरी देकर के आपसे क्या पूछे, मीनार की हाइट पूछे, ठीक है, मीनार की हाइट पूछे। तो जैसे अगर मैं यहां पे कुछ मान लो थीटा जैसे यहां पे 30 हो जाए, यहां पे 60 हो जाए, यहां पे मान लो 45 डिग्री हो जाए, यहां पे 60 डिग्री हो जाए, तो इनमें कंडीशन क्या होती है, चलिए कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। वैसे आकृति में पहले से बना चुका हूं, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। अगर जैसे मैं यहां पे क्या करूं, ये 30 डिग्री का बना रहा हूं एंगल, कितना 30 डिग्री बना दूं, और इसको मैं कितना बना लूं, यहां से 45 डिग्री का एंगल बना ले रहा हूं। तो वैसे इन इनमें रिलेशन क्या होगा आपको ये बताना है, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि यहां पे देखिए डबल डबल एंगल बना है, लेकिन पार्ट वन मैंने आपको पढ़ाया था जहां पे सिंगल सिंगल एंगल बनते थे। तो सबसे पहले एक बार आपको दिखा रहा हूं कि पार्ट वन मैंने आपको किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कराया था एंगल बनाकर, देखिए ऐसे है ना, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, इसी के माध्यम से लोग क्या कहते थे, तीन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। देखिए यहां पे सिंगल है, नीचे क्या है, ये डबल डबल एंगल एक साथ दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनमें रिलेशन क्या होता है, जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो इनमें रिलेशन क्या होता है। वैसे आप क्या कर सकते हैं, 10 cos sin लगा के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका नहीं बताया था क्योंकि वो तरीका बहुत लेंदी हो गया था। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो याद कर लीजिए, रेशियो के मेथड से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मींस इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब 30 डिग्री का एंगल बनता है तो इनमें रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट वन में क्या होता है, जब 30 डिग्री का बनता है तो ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है और ये 1 होता है, और इसके सामने की भुजा क्या होती है, ये 2 होती है। यही तो रिलेशन मैंने बताया था आपको। जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो मैंने आपको ये बताया था कि ये कितना होगा, ये कड़ी में 3 होगा इसके सामने वाले का, और ये 1 होगा, और ये 90 नहीं है तो इसके सामने का ये कितना होगा, ये 2 होगा। जब 45 डिग्री का बनेगा तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये कितना होता है, ये √2 होता है। ये रिलेशन मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए डबल डबल एंगल एक साथ दे दिए गए हैं, तो अब इनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए अगर यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे, अगर ये 45 डिग्री है और ये कितना है, ये 30 डिग्री, जैसे आप पास आएंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, एंगल का मान बढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, पास आएंगे मीनार के, अगर ये कोई मीनार है, मीनार के पास आप आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए इनमें रिलेशन आपको बताना है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो ये मेरा क्या होता है, 1 1 का होता है कि नहीं, तो 1 1 का होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब यहां से 45 डिग्री को सबसे पहले इसको देखा जाए, इस वक्त, ठीक है, तो यहां से ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पे अब 30 की बात कर ली जाए, तो ये 30 की बात कर ली जाए, तो ये देखिए होता क्या है, 30 वाले एंगल में क्या होता है, ये जब 30 एंगल का बनता है, जब कोण 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 1 होता है, और ये पूरा कितना होता है, √3 होता है, यानी इसका √3 या कह सकते हैं इसका √3 गुना होता है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अब देखिए जब 30 वाले की बात करेंगे तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो ये कितना 1 होता है और ये कितना होता है, पूरा √3 होता है, लेकिन कह दिया गया यहां से यहां कितना 1 है, यहां से यहां तो 1 है, और पूरे का मान कितना, ये कड़ी में 3 है, कितना है, कड़ी में 3 है कि नहीं है।
अगर ये 1 है और पूरा कितना कड़ी में 3 है, तो ये यहां से यहां कितना होगा, यहां से यहां कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, कड़ी 3-1 करेंगे नहीं करेंगे, यानी पूरे में से क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, तो इसका मान आपको पता चल जाएगा, ये वाला। क्लियर है इतना? अब देखिए, जैसे मैं यहां पे एंगल 30 ले रहा हूं, एंगल कितना ले लूं, 30 ले लूं, और यहां पे मैं कितना एंगल ले लूं, यहां पे 60 कर दे रहा हूं, ठीक है, 60 डिग्री। अब मुझे पता है कि 60 वाले में ये क्या होता है, ये रूट 3 होता है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, और ये कितना, तो 1 होता है। अगर यहीं पे 30 की बात कर ली जाए, 30 की बात की जाए, तो 30 में क्या होता है, 30 में देखा जाए, 30 वाले में, तो यहां पे जो होता है ये इसका क्या होता है, रूट 3 गुना होता है, रूट 3, यानी यहां पे जो भी मान रहेगा इसका ये क्या होता है, रूट 3 होता है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, ये कितना ऑलरेडी 1 दिया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा। ये 30 वाले की बात की जाए तो ये कितना होगा, इसका रूट 3 गुना होगा। तो इसका करेंगे आप इस तरह से करेंगे तो कड़ी 3 और इसका रूट 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3। तो आप कह सकते हैं कि यहां से यहां ये पूरा कितना हो गया, 3 है। अगर यहां से यहां पूरा 3 है तो ये 1 है, तो इसका मान कितना होगा, ये 2 होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर है। अब यहां पे जैसे मैं कितना यहां पे एंगल दे रहा हूं, यहां पे से कितना 45 डिग्री बना दे रहा हूं, और यहां पे कितना बना दूं, यहां पे मैं कितना दे दूं, 60 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्या होगा, जब वो 30 और 60 का बनेगा तो मेरा एंगल यानी रिलेशन ये आएगा, ठीक है, इनमें रिलेशन ये आएगा। जब कितना 30 और 45 का बनेगा तो इनमें रिलेशन ये आएगा, ठीक है, पूछो इनमें रिलेशन ये आएगा। अब देखिए, जब 45 और ये कितना, जब 60 की बात की जाए तो 60 में ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है कि नहीं होता, कड़ी में 3, और नीचे कितना होता है, ये 1। अगर यहीं पे 45 की बात कर ली जाए तो 45 में क्या होता है, ये जितना होता है वही इतना ये नीचे वाला भी होता है, यानी कि जितना ये लंब होगा उतना ही हमारा क्या होता है, आधार होता है। 45 वाला आपको दिखा दे रहा हूं एक बार फिर से, जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर 45 का जब जिक्र किया जाएगा तो ये पूरा 45 का जब जिक्र किया जाएगा तो ये रूट 3 है, तो ये भी यहां से यहां पूरा कितना होगा, ये रूट 3 होगा कि नहीं होगा, रूट 3 होगा। क्लियर है? अब यहां से ये 1 है तो ये जो शेष बचा है क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1, यानी यहां से यहां तक ये कितना हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। आप इनका, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन्हीं की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैंने आपको इसका बेस आकृति बताई थी यहाँ पे, या तो ये इनके बीच की दूरी घट जाएगी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन में आपको ऐसा जिक्र कहेगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा आपको, दूरी घट जाए या फिर क्या हो जाए, बढ़ जाए, ऐसे जिक्र होगा क्वेश्चन में। तो आपसे मीनार की हाइट पूछी जाएगी या मीनार की हाइट देकर के ये दूरी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है तो किसी खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर क्या होती है, कम हो जाती है, तो खंभे की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर आप आकृति बनाना चाहते तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या मैं एक बार आपको आकृति बना के दिखा दूं। वैसे इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार आकृति आपको, कितने का एंगल है ये 30 और 45, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। क्लियर है? अगर 45 की बात कर ली जाए तो यहां पे 1 होता है, ये भी 1 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1-1 होता है। अगर यहीं पे 30 डिग्री की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये 1 होता है, लेकिन ये पूरा क्या होता है, रूट कितना होता है, रूट 3 होता है। तो यहां से यहां ये पूरा कितना होता है, रूट 3 होता है, होता है कि नहीं, तो पीछे मैंने आपको बताया था। तो यहां से ये कितना होगा, ये रूट 3-1 होगा, यानी जब कहेगा क्वेश्चन में क्या हो, दूरी कम हो जाए या घट जाए या बढ़ जाए, तो इसका इसका मतलब ये मान आपको दिया गया, ठीक है, इसका मान मतलब ये आपको दिया गया, यानी अगर देखा है तो 20 मीटर कम हो रहा है, लेकिन रेशियो में इसका मान कितना है, कड़ी में 3-1, तो कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इससे करना क्या, भाग दे दीजिए,
20 से करिए कि आप रूट 3 से क्या करिए भाग दे दीजिए। तो पूछा क्या, खंभे की हाइट पूछा, यानी खंभे की हाइट आपसे पूछा गया है, तो आपसे 1:1 का मान निकालना है। अगर आप इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। देखिए मैंने क्या किया, मुझे पता है कि रिलेशन ये बनता है, रेशो ये बनता है, यानी इसी का मान क्वेश्चन में कितना कह दिया गया, इतना मीटर कम हो जाता है। ठीक है, जब क्या कहा, यदि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है तो ये कितना कम हो जा रहा है, यहां से दूरी कितना कम हो जा रही है, 20 मीटर कम हो जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में दिखाया था इसका मान कितना कम हो रहा है, √3-1 कम हो रहा है, रेशियो में इसका मान इतना ही तो कम रहा है। तो कह सकते हैं कि इससे करना क्या, आपको इसमें डिवाइड कर दीजिए और मीनार की हाइट पूछा, सॉरी खंबे की हाइट पूछा है ना, तो खंबे की हाइट कितना, 1 है, 1 का लाके इसमें गुणा कर दीजिए, तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 से गुणा करेंगे। अब की करना क्या, इसके कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कड़ी में 3+1 हो जाएगा और ये भी कड़ी में 3+1 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो फार्मूला दिख रहा है, जब आप इसे प्रसार करके इस तरह से करेंगे तो इसका मान कितना देगा, ये 2 देगा, 2 देगा कि नहीं देगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, 1² - 20² इस तरह से करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 10। तो ये अभी आपका बच्चा है, ये वाला बच्चा, ये तो समाप्त हो गया, तो ये कड़ी में 3+1, तो इसका आंसर कितना गया, 10 कड़ी में 3+1, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करें। वैसे अगर आप ये रेशियो अगर आपको याद है तो आप कह सकते हैं ये कितना मान दिया, ये कड़ी में 3-1 का मान दिया गया, आपसे पूछा गया 1 की वैल्यू पूछी गई, इससे डिवाइड करके इससे गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि में खड़े किसी मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखिए 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, पहले एंगल इतना था, जब एंगल बढ़कर इतना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, इतना से इतना हो जा रहा है, तो इतने मीटर की क्या हो जाए, वृद्धि हो जा रही है। तो मीनार की हाइट आपसे पूछा गया, अगर देखिए आपको रेशियो याद है तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं, यानी इतने मीटर की वृद्धि हो रही है, अगर रेशियो अगर आपको याद है तो रेशियो में कितने की वृद्धि होगी, जब एंगल 60 और 30 का बनेगा तो कह सकते हैं रेशियो में सिर्फ 2 यूनिट की वृद्धि होगी, यानी ये 2 यूनिट का मान दिया है, तो पूछा क्या आपसे, मीनार की हाइट आपसे पूछा है, आपसे पूछा क्या, मीनार की हाइट पूछा है। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे और क्या करेंगे, कड़ी 3 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन कैसे, मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मेरी तरह क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन फिगर आपको बना के दिखा रहा हूं। यहां से देखिए ये एंगल कितना, ये 60 डिग्री, जब ये हो क्या रहा है, 60 डिग्री से कितना डिग्री ये कोण हो जा रहा है, 30 डिग्री का कोण हो जा रहा है। तो यहां पे जो ये मीनार है, इसकी ये जो छाया है कि नहीं, ये जो छाया है, तो छाया में कितने की वृद्धि हो जा रही है, 50 मीटर की वृद्धि हो जा रही है, यहां से यहां कितने की इंक्रीज हो जा रही है, 50 मीटर की वृद्धि हो जा रही है। क्लियर है, इसका मान 50 मीटर बढ़ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे मैंने क्या बताया था आपको, स्क्रीनशॉट अगर आप लिए होंगे तो आप वहां से भी देख सकते हैं, मैंने आपको इमेज रिलेशन ये बताया था कि अगर ये 60-30 का एंगल बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3-1 और ये कितना होगा, ये 2 होगा, यानी यहां से यहां ये कितना होगा, ये 2 यूनिट का मान दिया है। और क्वेश्चन में इसी का मान कितना का कह दिया गया, बढ़ गया 50 मीटर बढ़ गया, तो कह सकते हैं इसका मान दिया है, तो आपको करना क्या, 50 में क्या करिए, 2 से भाग दीजिए। पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई कितना, यहां से रेशियो में कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 से लाके गुणा कर दीजिए, इसको डिवाइड करूंगा तो 25 कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो भी आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आपको रिलेशन याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी पेड़ की एक ही तरफ, ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है, इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण कितना क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है,
तो पेड़ की ऊंचाई का 40% आपसे पूछा गया, पेड़ की हाइट का 40% वैल्यू कितनी होगी आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर आप फिगर बनाना चाहते तो नहीं बना सकते, बनाना चाहते तो बना सकते हैं, या पीछे मैंने आपको बताया जब 30 और 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो देखिए ये यही तो रिलेशन इनमें है कि नहीं, यही आपका रिलेशन है। यानी ये जो 50 दिया ये कितने यूनिट का मान दिया है, 2 यूनिट का मान दिया है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2 यूनिट का मान दिया गया तो आपसे पूछा कि पेड़ की हाइट, पेड़ की हाइट कितना, ये कड़ी में 3 है, पेड़ की हाइट कड़ी में कितना, ये 3 है। लेकिन आपसे पेड़ की पूरी हाइट नहीं पूछी है, क्या पूछा आपसे, 40% पूछा है, पेड़ की हाइट का 40% आपसे पूछा गया। 40% का मान कितना हो जाएगा, 2/5। इसका मान किसके बराबर होगा, 2/5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 20 × 40 = 25 100, वही मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। इसका मान कितना होगा, 2/5। तो इसका क्या करिए, 2/5 आप निकालिए, 2 से 2 कट गया, 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा 10 बार में, तो कितना आ जाएगा, 10 कड़ी में 3। इसका आंसर कितना गया, 10 कड़ी में 3 आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका मैच। और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया प्री 2021 में, है ना, बेहद ही आसान ये क्वेश्चन देखिए अब लगने लगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मीनार के आधार के क्षैतिज समतल में स्थित 2 बिंदु A और B, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बना, ये 15 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा कि ए तथा बी एक ही दिशा में स्थित हो, यानी एक ही दिशा में ये क्या हो, स्थित हो। तो हमसे पूछा क्या, ये मीनार की हाइट हमसे पूछा है, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है। देखिए ये मैंने नहीं बताया, फिलहाल यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब कोण कितना बने, 30 और 45 डिग्री का बने। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आकृति, जब एंगल कितना बने, 30 और 15 डिग्री का। ये देखिए ये 15 डिग्री है और ये कितना, ये 30 डिग्री है, क्लियर है। अब इनमें रिलेशन निकालना है, तो इनमें रिलेशन ये होता है कि ये 1 होता है और ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है, ये 2 होता है, ठीक है। आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, यहां से यहां ये पूरा कितना होता है, ये इतना होता है, होता है कि नहीं होता, ये क्लियर है इतना। अब देखिए ये दिया आपको ए बी, यानी ये क्या दिया गया आपको, क्षैतिज तल से 2 पॉइंट, यानी ए और बी अगर ये नाम देना चाहते हो दे सकते हैं, और इनके बीच की दूरी कितना, ये 48 मीटर हो, यानी इसका मान आपको दिया है कितना, ये इसी का तो मान क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है, मीनार की हाइट आपसे पूछा, यानी एक की पूछा, तो डायरेक्ट इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट का मान पता चलेगा। 48 में आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं होगा तो छोड़िए। तो ये कितना आ जाएगा, ये 24 मीटर, मीनार की हाइट कितना है, 24 मीटर। तो बी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार अपने आधार से 160 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है, कितने दूरी पर, 160 की मीटर की दूरी पर कुछ कोण बनाता है, टावर की ओर 100 मीटर चलने पर कोण दोगुना हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई। देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, फिगर मैंने बनाया आप देख सकते हैं, फिगर देखिए मैं बनाया हूं आप देख सकते हैं। अब ये देखिए दोगुना कोण बना रहा है, क्वेश्चन में आपको जिक्र कहेगा, ठीक है। ये देखिए अब यहां से अगर मान लीजिए कोई टावर है, तो पहले ये कर क्या रहा है, पहले ये कुछ कोण बना रहा था कितने मीटर की दूरी पर, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया 160 मीटर की दूरी पर, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ये करके यहां से चलते चलते ये क्या कर रहा है, टावर की ओर चल रहा है। अब ये पहले से कितना दोगुना, पहले से क्या कर रहा है, ये दोगुना कोण बना रहा है, पहले से ये दोगुना कोण बना रहा है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मीनार की हाइट कितनी होगी, या तो ये पूछा जाएगा या आपको ये पूछा जाएगा कि कितना दूरी इसने तय की, यानी इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हाइट दे देगा तो आपसे ये दूरी पूछेगा, ये दूरी दे करके आपसे क्या पूछेगा, ये हाइट पूछेगा। तो इनमें देखिए रिलेशन क्या होता है, आप इसको देख लीजिएगा, यहां से क्या करें आप इसको देखिए, यानी मीनार की हाइट या मीनार या टावर की हाइट कितना हो जाएगी, एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस कितना होगा, एक्स स्क्वायर, यानी इस वाले का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।
देखिए कहा क्या क्या कितने ये चला, ये 160 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिगर बनाना चाहते तो बना सकते, नहीं बनाना चाहते तो पीछे मैं आपको बना के बता चुका हूं। यहां से ये देखिए ऐसे फिगर बनेगा, क्लियर है। यहां से यहां के बीच की दूरी कितना, 160 मीटर है। अब ये जो यहां पे खड़ा है यहां से ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कुछ कोण बना रहा है बट मुझे नहीं पता। टावर की ओर कितना चला, ये 100 मीटर चल रहा है। अगर ये टावर की ओर 100 मीटर चल रहा है तो ये देखिए टोटल दूरी कितना 160 है और ये बचा कितना, कितना बच गया ये 60 मीटर, क्लियर है। कितना बच गया ये 60 मीटर। हमसे पूछा क्या, इस टावर की हाइट पूछा है तो पीछे मैंने अभी आपको बताया कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही तो मैंने आपको बताया। ये जो है ये वाई की वैल्यू आपको दी गई और ये एक्स की वैल्यू दी गई, क्लियर है। अगर देखिए आप इसके इसके अकॉर्डिंग लगाना चाहते तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जो ट्रिपलेट बनता है, ठीक है, जो ट्रिपलेट बनता है अगर आपको ये याद है, ट्रिपलेट क्या बनता है इनमें 60 100 100 है ना, तो 60 80 और 100 का ट्रिपलेट बनता है, 60 80 और 100 का ट्रिपलेट बनता है। अगर ये 60 है, ये कितना 100 है, तो ये कितना होगा, ये 80, यानी इसका आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, ये 80 आ गया, ठीक है। लेकिन कैसे है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ये तो अगर ट्रिपलेट याद है तो आप बता सकते हैं, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको करना है कि यहां से सॉल्व करना होगा। तो यहां से करेंगे, जब इसको करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 होगा, कितना होगा 10,000 माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6×6=3600। अब इधर ये एच स्क्वायर इधर आके रूट लग जाएगा, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना मिलेगा, ये 6400, और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 80 मीटर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जब ये इसका क्या गया आंसर आ गया, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, जब ये दोगुना कोण बने, ठीक है, पहले कुछ कोण बनता था अब ये दोगुना कोण बने, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है। इन बिंदुओं से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। उस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में कंप्लीमेंट्री एंगल का जिक्र कहा है, तो सबसे पहले आपको कंप्लीमेंट्री एंगल आपको बता दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए कंप्लीमेंट्री एंगल, जैसे अगर मैं मान लो ये कितना थीटा है, तो ये कितना होगा, ये इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस कितना होगा, ये थीटा होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा, यहां से यहां की टोटल दूरी आपको दी रहेगी, यहां से यहां टोटल दूरी आपको दी, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं या वाई मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां के बीच की दूरी भी आपको दी रहेगी, आपसे पूछा क्या जाएगा, इस मीनार की हाइट कितनी होगी, यानी मीनार की हाइट आपसे पूछी जाएगी, क्लियर है, मीनार की हाइट आपसे पूछी जाएगी। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण का जिक्र होगा, जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल का जिक्र होगा, तो आपको करना है कि यहां से इन दोनों का करना है कि आपको मीनार की हाइट पूछा है ना, तो मीनार की हाइट निकालने के लिए आपको करना है कि इन दोनों का गुणा कर देना है, इन दोनों का करना क्या आपको गुणा कर देना है, जो डिस्टेंस आपको दी गई है इन दोनों का गुणा करना है, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एच बराबर इस तरह से आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो करना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करेंगे। ये दोनों देखिए कंप्लीमेंट्री, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा पूरक कोण, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल दिया रहेगा, तो जो यहां से होगा ये आपको इतना आएगा। अब देखिए दिया गया है सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है। इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, ये पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो पूछा कि मीनार की हाइट पूछा, पीछे मैंने बताया आपको जो भी डिस्टेंस दी गई है, अगर ये मीनार की हाइट पूछा है तो पीछे मैंने क्या बताया आपको, जो डिस्टेंस दिया गया इनका आपस में करना क्या आपको, मल्टीपल आपको करना होगा, यही तो पीछे मैंने आपको बताया ना।
तो सेम इसमें रख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसमें रख के सेम सॉल्व कर लेते हैं तो मीनार की हाइट पता चल जाएगी। तो अब करना कि यहां से मीनार की हाइट h बराबर इन दोनों का करना कि आपस में मल्टीपल करना है, तो 72 और ये कितना हो जाएगा 128, इस तरह से रूट आपको लगाना। अगर देखिए 64 दूना कितना होता है, 128 होता है कि नहीं, तो 64 दूना, तो अगर मैं इसको यहां से 2 हटाऊंगा तो क्या बचेगा, ये 64 हो जाएगा और 2 इसके साथ आके मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 144 होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 64 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 का इसमें गुणा कर दिया मैंने, इतना आ गया। अब देखिए ये करने से फ्री हो जाएगा तो इसका मान कितना 12 मिलेगा और इसका मान कितना मिलेगा, ये 8। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा, ये 96। जब करी से फ्री होगा तो ये 12 देगा और ये कितना 8 देगा, तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 96 मीटर। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिक्र होगा तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, ऐसे सॉल्व करेंगे, जो भी डिस्टेंस दी गई है इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीपल करके रूट कर देना। अगर जैसे सपोज दैट यहां से एक डिस्टेंस दी रहे, जैसे एक डिस्टेंस ना दी रहे और आपको क्या दिया रहे इमारत की हाइट दी रहे, तो आप क्या करेंगे इसमें रख के क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर इस तरह से दिया रहे कि जैसे मैं मान लो ये x की वैल्यू ना दी रहे, ठीक है, एक वैल्यू ना दी रहे, तो आपसे इसका मान निकालना और इसका भी मान दिया, इसका भी मान दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई कितना बढ़ जा रही है, 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की हाइट आपसे पूछा गया। ये भी क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। अगर फिगर बनाना चाहते तो बना लीजिए, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन बना ले रहे हैं, ठीक है। यहां से देखा जाए ये है और ये कितना, ये 30 डिग्री है, क्लियर है, ये 30 डिग्री है और ये कितना है 45 डिग्री है। अब देखिए 45 में ये कितना होता है, ये 1 होता है और ये कितना होता है, ये 1 होता है। 45 में दोनों क्या होता है, सेम होता है, लेकिन 30 की बात की जाए तो ये 1 होता है और ये पूरा कितना होता है, रूट 3 होता है, होता है कि नहीं, तो रूट कितना होता है, ये 3 होता है। अब यहां से अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, कर्डी में 3 - 1 होगा कि नहीं होगा। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी गई है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में इतना दी गई है, तो मीनार की हाइट आपसे पूछा गया है। तो करना क्या आपको, यहां से क्या करिए, 8.4 में कौड़ी में 3 - 1 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, एक यूनिट का मान पता करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। तो इसमें करना क्या, यहां से ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए। जब इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो ये ऊपर कितना, ये प्लस साइन हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। नीचे भी प्लस साइन से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, यहां भी प्लस साइन से गुणा करेंगे, तो लेकिन जब इसको देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कितना देगा, ये सिर्फ 2 देगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 * 4 = 8, 2 * 2 = 4, यानी 4.2 और कड़े में 3 + 1, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 4.2 कड़े में 3 + 1, डी ऑप्शन का मैच करें। अगर देखिए आपको रिलेशन याद है, अगर आपको रिलेशन याद है तो कह सकते हैं ये कितने की वैल्यू दी गई है, कड़ी में 3 - 1 की वैल्यू दी गई है, इससे इसको डिवाइड करिए, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ठीक है। फिगर बना सकते हैं, अगर याद रहेगा तो और बेहतर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब सूर्य का अवनमन कोण कितना, ये 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की परछाई की लंबाई इतने मीटर कम हो जाती है, 70 मीटर कम हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अवनमन कोण आ गया है, तो मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि चाहे अवनमन कोण करे चाहे उन्नयन कोण करे कोई फर्क नहीं है, आप हमेशा क्या करेंगे, उन्नयन कोण ही बनाएंगे। वहां पे रीजन भी आपको बताया था कि कैसे क्या होगा, ठीक है, आपको बताया था फिगर द्वारा बना के कि अगर ये एंगल पे इतने बना तो ये अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल भी क्या होंगे, समान। तो चाहे आप अवनमन कोण का जिक्र कहे चाहे उन्नयन कोण का जिक्र कहे, तो जैसे हम लोग फिगर बना रहे थे वैसे ही फिगर बनाएंगे। अगर आपको इसको और डिटेल पढ़ना है तो पार्ट में मैंने आपको बताया था अवनमन कोण, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आप एंगल बनाएंगे इस तरह से तो कितने कितने का है, ये 30 और 60
30 डिग्री का और ये कितना, ये 60 डिग्री का है, क्लियर है। अब मीनार की परछाई इतने मीटर कम हो जाती है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू क्या है, यहां से इसका मान दिया गया 70 मीटर कम हो जाता है। तो पूछा कि हाइट पूछा, देखिए ये अगर इसको देखा जाए, इस वाले को देखा जाए, तो ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो इनमें देखिए 60 वाले में क्या होता है, ये कड़ी में 3 होता है और ये 1 होता है। अगर 30 वाले की बात की जाए, पूरे की बात की जाए, तो पूरा होता है कि यहाँ पे जो भी होता है ये इसका क्या होता है, रूट 3 गुना होता है कि नहीं, तो है रूट 3 गुना होता है। अगर आप इसका रूट 3 गुना करेंगे, इसका क्या करेंगे, रूट 3 गुना होता है कि नहीं, तो ये क्या होता है, रूट 3 गुना होता है। इसका रूट 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा, यानी यहां से यहां कितना हो गया, 3 हो गया। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 2 यूनिट का मान आपको दिया है, कितना ये दिया गया है, 70 दिया है कि नहीं दिया है। तो करना क्या, आप इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए। और कितने का पूछिए, पूछा कि आपसे मीनार की हाइट, यानी रूट 3 का मान आपको पता करना है, क्लियर है। इसको देखिए यहां से डिवाइड कर दूंगा, इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 35 बार में कटेगा। और इसकी वैल्यू कितना होती है, इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो 1.73 होता, 1.73 होता कि नहीं होता। अब इसका यहां से करना है कि आपको मल्टीपल आपको करना है, तो ये देखिए क्या होगा, ये इसका जब यहां से गुणा करेंगे तो ये देखिए 35 का लगभग कितना, डेढ़ गुने से ज्यादा, 35 का डेढ़ गुने से ज्यादा। अगर आप 35 का डेढ़ गुना से ज्यादा ना, या तो गुणा करके चेक करिए, इसके 35 से डेढ़ गुना ज्यादा, तो ये तो होंगे नहीं, ये दोनों होंगे नहीं, बचा आपका ये और ये। 35 से डेढ़ गुना इसका मतलब क्या होगा, ये ही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। डेढ़ गुना से ये ज्यादा हो जा रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। आप चाहे तो मल्टीपल करके चेक कर लेंगे, आपका आंसर यही आएगा। और ये क्वेश्चन के सीपीओ में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एंगल कितना हमारा 45 और 60 डिग्री का, तो अच्छी इस बार मीनार की ऊंचाई दे दी गई, ठीक है। इस बार देखिए मीनार की ऊंचाई दी गई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, ए और बी दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं, देखते हैं कि दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि इस दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछा गया। अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना लीजिए, क्लियर है। देखिए मीनार की हाइट कितना दी गई है, ये 50, दीवार या मीनार, इस दीवार की हाइट कितना 50 मीटर। यहां पे ये दो पॉइंट है ए और बी, यहां से और यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, कितने डिग्री का, 45 और 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 60, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले इनमें रिलेशन क्या होता है, अगर ये कड़ी में 3 होता है तो ये भी कितना होता है, ये कितना होता है, 1 होता है। 60 के अगर 60 की बात की जाए, ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये रिलेशन होता है कि नहीं होता है। अगर 45 की बात की जाए तो जो यहां पे होता है वही यहां पे भी नीचे भी हमारा होता है, ठीक है, जो यहां पे होता है वही हमारा नीचे होता है। तो यहां से यहां ये भी पूरा कितना हो जाएगा, ये कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 3, लेकिन इसका मान 1 है, तो ये जो शेष बचा ये कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3 - 1, यानी टोटल में से घटा देंगे। इसकी वैल्यू देखिए कि इसकी वैल्यू आपको क्या करना, पता करना है, इसी की तो वैल्यू पता करना है कि नहीं पता करना है। अब देखिए इसका मान दिया है, यानी कि ये कितने, किसका मान दिया, कड़ी में 3 का मान दिया गया, कड़ी में कितना, 3 का मान दिया गया। तो 50 में कड़ी 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और किसकी वैल्यू पूछी, यानी ये दूरी आपसे पूछी गई, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। तो कड़ी में 3 - कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन क्या करिए आप कर लीजिएगा, ये जो है इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, चाहे तो ऊपर नीचे गुणा करके रूट 3 से गुणा करने की बात करिएगा, वैल्यू रखिएगा। वैसे कड़ी में 3 की वैल्यू कितना होती है, 1.732 होता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, इसको क्या करेंगे आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं कॉन्जुगेट से, गुणा करने के बाद इसे आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि किसी खंभे की ऊंचाई और खंभे के पास, खंभे एवं खंभे के पास खड़े किस खड़े एक व्यक्ति की दूरी, एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है। देखिए इसमें यह कहा गया इस क्वेश्चन में कि एक खंभा है और खंभे के पास व्यक्ति खड़ा है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है।
अगर ये कोई खंभा है और खंभे के पास में मान लो कोई व्यक्ति इस तरह से ये खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये खड़ा है। अब ये कहा गया कि ये और ये वाली भुजा और ये दोनों बराबर है। अगर ये और ये दोनों बराबर है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। कितने डिग्री के एंगल में ये और ये दोनों बराबर होता है, तो आप कहेंगे 45 वाले में कितना होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। 45 वाले डिग्री में ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही है। कहा कि नहीं, उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। खंभे की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो किसमें होता है, 45 डिग्री में होता है। अगर ये कोई खंभा, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये और ये खंभे की हाइट और ये दूरी जब समान हो, यही तो कहा गया है, तो किसमें होता है, 45 में तो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड तक उड़ने के बाद उन्नयन कोण कम होकर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले यहां से देखा जाए तो कोई ड्रोन है और ये क्या कर रहा है, क्षैतिज तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब यहां से जो एंगल है इतना से इतना हो जा रहा है, 60 से कितना हो जा रहा है, ये 30 डिग्री का हो जा रहा है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं फिगर, तो यहां से बना सकते हैं। ठीक है, फिगर बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। कितना हो रहा है ये, 30 डिग्री से कितना हो, यानी 60 से कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। 60 डिग्री से ये कितना हो जा रहा है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है। क्लियर है। अगर देखा जाए तो ये 60 में ये कितना होता है, ये कड़ी में कितना होता है, 3 होता है, ये 1 होता है। 30 की जिक्र किया जाए तो ये पूरा कितना होता है, ये तो जो यहां पे होता है ये इसका क्या होता है, √3 गुना होता है। √3 गुना, यानी इसका √3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। यहां से यहां पूरा कितना होगा, ये 3 होगा, पूरा 3 है, तो ये कितना होगा, 2। क्लियर है। अब ये पूछा गया है कि क्षैतिज से इसकी ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई कितना दी गई है, यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, यानी ऊंचाई आपको दे दी गई है कितना, ये इतना, लेकिन इसका मान कड़ी में देखिए कितना है, 3 है। तो आपसे ये पूछा गया कितना दूरी तय किया, ये अगर कोण 60 से 30 हो रहा है तो कितना दूरी तय किया। सबसे पहले √3 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक यूनिट का मान पता चल जाएगा। तो लेकिन आपको करना क्या, 2 यूनिट का मान पता करना, तो इसमें 2 से क्या करिए, मल्टीपल कर दिए, ये इससे कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये 2000 मीटर। कितना ये दूरी तय किया, 2000 मीटर दूरी तय किया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 96 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से पहाड़ी की एक ही दिशा में खड़ी की गई दो कारों के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो कारों के बीच की दूरी, ठीक है, पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैसे देखिए रिलेशन क्या 30 और 60 का बन रहा है ना, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, इनका आपको इनमें रिलेशन याद हो गया होगा, तो ये मेरा कितना होता है, ये अगर ये 60 का है और ये कितना, ये 30 डिग्री का बन रहा है, तो जो इनमें रिलेशन होता है ये कितना, 3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है। अब देखिए इसका मान दिया गया, यानी क्या कहा गया, 96 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से यानी इसकी वैल्यू आपको दी गई है, तो इसका मान आपसे पूछा गया, दोनों कारों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 96 कड़ी 3 से क्या करिए, डिवाइड करिए। अगर हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे, कड़ी 3 से गुणा कर दे रहे हैं। क्लियर है। और इसका भी तो मान 2, यानी इसका मान पता करना, यानी 2 से इसमें लाके गुणा करिए। जब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 3। 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहां से 3 3 9 हो गया और 3 2 6। क्लियर है। ये 32 दुना कितना हो जाएगा 64। और कड़ी में 3 की वैल्यू कितना होती है, 1.732 होता है कि नहीं होता। अब देखिए करना कि 1.732,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका करेंगे आप गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका देखिए क्या करना है आपको, डेढ़ गुणे से ज्यादा 60 120 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 120 128 कर सकते हैं ना, यानी कि ये तो होगा ना, ये तो क्या हो गया सीधे सीधे दो गुणे से ज्यादा हो जा रहा है, 60 120 हो जा रहा है, दो गुणे से कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। अब ये देखा जाएगा इसमें मल्टीपल करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप देखिए अंदाजा लगा के कर सकते हैं, 60 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा, ये इसका डेढ़ गुना करना है तो 60 ये हो गया और 30 ये कितना हो जाएगा, ये लगभग करीब आपका कितना आ जाएगा, ये इस वाले के आसपास जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ये भी ज्यादा हो जा रहा है फिलहाल, तो ये क्या होगा, ये डेढ़ गुने के आसपास यही इसका होगा, 64 तो पूरा हो गया ये। अब 64 का करना क्या, अगर आप आधा करेंगे तो लगभग तो यही आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से आप अनुमान लगा के इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीपल भी आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पी तथा क्यू एक खंभे के किसी तरफ एक रिफ यानी एक तरफ, ठीक है एक ही तरफ दिया गया, भूमि के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु P और Q से देखने पर शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री का, तो उनके बीच की दूरी कितना है, 60 और 30 का वर्ग है, उनके बीच की दूरी दी गई, तो पूछा क्या खंभे की ऊंचाई पूछा, अगर उनके बीच की दूरी का मतलब कितना 60 और 30 का बना, तो एंगल एन उनके बीच की दूरी कितना, ये 2 यूनिट, कितने यूनिट का मान दिया, 2 यूनिट का मान दिया, तो आपसे पूछा क्या ऊंचाई, अगर आप रेशियो देखना चाहते हैं देख लीजिए, पीछे मैंने अभी आपको बताया कि नहीं बताया, जब 60 और 30 का कोण बनेगा तो इनमें ये रिलेशन होता है, यानी यही तो है, दो यूनिट का मान आपको दिया गया, तो दो से मैंने डिवाइड कर दिया और हमसे क्या पूछा है खंभे की ऊंचाई कितना मान होता है, कड़ी में 3 होता है कि नहीं होता, इसमें कड़ी 3 से गुणा कर लीजिए। क्लियर है, इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 42, और इसको यहां से करेंगे तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 12 126 आपको मिलेगा, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आपसे पूछा गया, ठीक है, यानी मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो समुद्र के तल से इतने मीटर के ऊपर है उसकी ओर आ रहा है जहाज का अवनमन कोण, अगर ये अवनमन कोण कहा तो हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 30 से 60 हो रहा है तो अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा कि एंगल 30 और 60 का बन रहा है उनके बीच की दूरी आपसे पूछा कि हाइट आपको दिया गया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए ये एग्जाम में पूछा गया, मेंस में पूछा गया, सीजीएल के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, समतल भूमि पर खड़ी मीनार की लंबाई आपको दी गई है और क्या कहा गया है, सूर्य का जो कोण है इतने से इतने तक बदल जाता है तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछी गई, इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें आप फिगर बना के रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर आपको रिलेशन याद है तो और बेहतर है, नहीं तो आप फिगर बना के रिलेशन आप निकाल लीजिएगा, और ये मीनार की लंबाई आपको दी गई तो पूछा कि आपसे टावर की ऊंचाई आपसे पूछी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अब टाइप 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइप 5 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा पीछे से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए, जैसे देखिएगा मैं मान लो ये मीनार क्या यानी कि पहली मीनार है और ये दूसरी मीनार, आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं, इस तरह से सी डी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये मीनार दी गई है, दो मीनारे, ये इसकी हाइट ये एच वन है और ये इसकी हाइट क्या एच टू है, अब यहां से ये थीटा वन है और ये थीटा क्या है टू, और ये जो थीटा जो ये दिख रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या पूरक है, जो एंगल बन रहे हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपसे पूछेगा ये डिस्टेंस। ठीक है, आपसे क्या कहेगा, ये डिस्टेंस आपसे पूछेगा, आपसे ये डिस्टेंस आपसे पूछेगा कि इनके इन दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितना है। देखिए क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि दोनों मीनारों की हाइट दे करके आपसे इनके बीच की दूरी आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। या तो ये हो सकता है कि किसी एक मीनार की हाइट दे करके और उनके बीच की जो दूरी दे करके, उनके बीच की दोनों मीनारों के बीच की दूरी दे करके दूसरी मीनार की हाइट आपसे पूछी जाए,
ऐसे बन सकता है। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, आप यहां से कर लेंगे x बराबर, उनके बीच की दूरी निकालना हो तो x स्क्वायर बराबर आप क्या करेंगे h1 into h2 करेंगे, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर h1 into, सॉरी ये स्क्वायर हटा के करना कि आप इस तरह से रूट लगा देंगे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये टाइप फाइव का मैंने आपको कंडीशन बताया, और ये जो दोनों एंगल होंगे ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का जिक्र करेगा क्वेश्चन में आपको, कॉम्प्लीमेंट्री ये एंगल का जिक्र करेगा, ठीक है। और ये हाइट दोनों की देगी, डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा दोनों मीनारों के बीच की दूरी, ये तो इसकी कंडीशन नंबर पहली होगी। कंडीशन नंबर इसके सेकंड देखी जाए, कंडीशन नंबर इसके सेकंड, दो मीनार है इस तरह से है, अगर दोनों मीनारों की हाइट दे करके, दोनों मीनारों की ऊंचाई दे करके, अगर ये जहां पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, अगर इसको यहां से खींचा जाए तो यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहां पे ये कुछ एंगल बन रहा है, ये थीटा वन है और ये थीटा टू हम इस तरह से मान रहे हैं। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा ये ठीक है, यहां से ये जो प्रतिच्छेद जहां पे एक दूसरे को ये काट रहे हैं, तो क्षैतिज तल से जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इनके बीच की ये दूरी कितना होगी आपसे ये पूछा जाएगा, यानी ये दूरी या कह सकते या ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। यानी ये क्षैतिज तल से इसकी ऊंचाई कितनी होगी इसमें आपसे ये पूछा, कंडीशन नंबर सेकंड में ये टाइप फाइव का टू है, ठीक है। इसमें एंगल नहीं दिया रहेगा, ठीक है, इसमें जो है एंगल नहीं दिया रहेगा, एंगल नॉट गिवेन, ठीक है, एंगल नहीं दिया रहेगा आपको। मीनार की हाइट देकर के आपसे ये प्रतिच्छेदित क्षैतिज तल से प्रतिच्छेदित की हाइट आपसे पूछी जाएगी। तो इसके लिए करना क्या आपको, यहां से इसके लिए आपको ये करना कि वन अपान एच बराबर पहले मीनार का यानी एच वन हो जाएगा प्लस वन अपान एच टू, क्लियर है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट आप पता कर सकते हैं, इसकी हाइट आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये जो एंगल है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको कहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको बताया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें और इसमें देखिए फर्क है, ठीक है, इसमें दूरी पूछा जाएगा और इसमें क्या पूछा जाएगा, क्षैतिज तल से ऊंचाई पूछा है, तो इसका यूज करेंगे। जब दूरी पूछा जाएगा तो दोनों मीनारों को आपस में गुणा करके रूट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो स्तंभों के बीच की दूरी कितना एक्स मीटर है। यदि दोनों एक 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 के आधार से दूसरे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के संपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया, मैंने बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिक्र होगा, तो एक्स का मान आपसे पूछा गया। फिगर पीछे मैं आपको बताया था कि नहीं बना के, इस तरह से भी आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, फिगर आपको इस तरह से दिया रहेगा। अगर फिगर मैं यहां से बनाऊं और ये यहां से बना दो इस तरह से, ये एच वन है यानी इसका मान आपको दिया कितना, ये 16 है, और ये इस तरह से कितना 9, फिलहाल ये थोड़ा सा बहुत बड़ा बन गया, ये छोटा बनना चाहिए कुछ, ठीक है, ताकि पता चले कि फर्क है। अब देखिए यहां से तो हमसे पूछा है कि इनके बीच की दूरी पूछा, तो पीछे मैंने क्या बताया, इनके बीच की दूरी पता करने के लिए, दूरी पता करने के लिए क्या बताया, दोनों मीनारों का आपस में गुणा करके रूट आपको लगाना है, यही तो करना है। ये जब फ्री होगा कड़ी से तो 4 देगा, और ये फ्री होगा तो 3, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर, कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर। यानी दोनों मीनारों के बीच की दूरी, दोनों मीनारों या दोनों स्तंभों के बीच की दूरी कितना होगी, 12 मीटर होगी। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है ना, बेहद ही आसान है क्वेश्चन को, आप क्या कर सकते हैं, देखकर भी माइंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस हो जाए तो क्वेश्चन को आप देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं माइंड में कैलकुलेशन करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न में यह कह दिया गया कि 12 मीटर और 4 मीटर ऊंचे दो लंबवत स्तंभ किसी क्षैतिज तल में किसी निश्चित दूरी पर स्थित हैं। एक स्तंभ के आधार से दूसरे स्तंभ के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से कितनी है आपसे ये पूछा है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, प्रतिच्छेदित
क्षैतिज तल से ऊंचाई का पूछा है, तो पीछे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, फिगर में बना के आपको बताया, तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, वन अपान एच बराबर पहली मीनार का, पहली मीनार का यानी वन अपान कितना हो जाएगा ये एच वन, वन अपान एच टू, यही तो पीछे मैंने बताया। मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए कौन सा इसका प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है, क्षैतिज तल से ऊंचाई आपसे पूछा गया है। अब देखिए करना है कि यहां से ये 12 है और ये 4 है, तो मैं अगर इसको 12 कर दूं तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, 3 से ऊपर नीचे क्या कर दूं, गुणा कर दूं। अब इसका भी 12 बेस हो गया, आधार 12 हो गया, इसका भी बेस क्या हो गया, 12 हो गया। अगर दोनों के 12 12 है तो अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो अंश हम लोग आपस में डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो नीचे हमारा 12 रहेगा ही, 3 एक कितना हो जाएगा, ये तो 3 होगा और ये कितना होगा 4, इसको डिवाइड करूंगा तो 4 3 12। अगर मैं इसको पलट दूं, इसको पलट दूं तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 मीटर, h बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।